हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों महिंद्रा 265 Di XP+ ट्रैक्टर को। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसकी नई कैश प्राइस क्या देखने को मिलेगी। अगर आपका बजट कम है और आपको निकालना है इस ट्रैक्टर को फाइनेंस पे, तो ऐसी कम से कम डाउन पेमेंट क्या कर सकते हैं, लोन अमाउंट क्या होगी और महीने की ईएमआई क्या निकल गई आएगी, ये सभी बातें आपको वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के कैश प्राइस के बारे में। लोकेशन हमने यहाँ पर ली है न्यू दिल्ली की। एक्स शोरूम प्राइस आपको 540,000 रुपये से 550,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस में हमने आरटीओ इंश्योरेंस और अदर चार्ज को ऐड करने के बाद ऑन रोड प्राइस को निकाला है। ऑन रोड प्राइस आपको 580,000 रुपये से 610,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस आपको इसी के बीच में पर सभी शहरों में अलग अलग देखने को मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो बात इस ट्रैक्टर के कैश प्राइस के बारे में जानकारी। हम बात करते हैं दोस्तों इसके फाइनेंस के प्लान के ऊपर। अगर आपका बजट कम है और आप करते हैं डाउन पेमेंट 180,000 रुपये की, तो उसकी लोन अमाउंट आपको 400,000 रुपये निकल के आती है दोस्तों। अगर आप कराते कंपनी या बैंक से फाइनेंस और रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और लेते हैं टाइम अगले 5 साल इसकी लोन अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी महीने की ईएमआई आपको 8,498 रुपये पर मंथ निकल के आती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे पहले प्लान के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा दूसरा प्लान जो हमने लिया 6 साल के लिए। अगर आप कराते इस गाड़ी को फाइनेंस पे, तो आपको उसकी पर मंथ की ईएमआई 7,410 रुपये पर मंथ निकल के आती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको महिंद्रा 265 Di XP+ के कैश प्राइस और फाइनेंस के दो प्लान के बारे में बताया है। अगर आप भी चाहते किसी गाड़ी बाइक के बारे में जानना, कितने डाउन पेमेंट पर जानना चाहते हैं, आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।